एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर ये पहला केस है। दो टाइप के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर पहला केस आएगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और दूसरा केस आएगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे जब बनेगा और इन्फिनिटी पे बनेगा। तो दो किस्म के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं। जब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो आपको पेपर में लिखा होगा कि आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करें इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो लिख लें नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, लिख लें, नोट लिख लें यहां पर, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है यहां तक? क्या कैसे डायग्राम बनाना है? ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, टेलीस्कोप में तो स्टार्स मून बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी से रेज आएंगी ऑब्वियसली। कहां पर बनेंगी? जब इन्फिनिटी पे आएंगे तो इस, और हाँ एक और रूल, जो ऑब्जेक्टिव है उसका साइज अब बड़ा होगा और आईपीस का साइज छोटा होगा। माइक्रोस्कोप में उल्टे होते हैं, आईपीस का साइज बड़ा होता है, टेलीस्कोप में छोटा होता है। तो इसमें इन्फिनिटी से आएगी और कहां पर मिलेंगी? इसकी फोकल लेंथ पे। इसकी फोकल लेंथ क्या है? एफ ओ। तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है वो कहां पर मिलेंगी? एफ ओ पे, राइट। अब क्योंकि आपको फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे बनानी है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इसकी फोकल लेंथ पे। क्योंकि अगर इस लेंस की फोकल लेंथ पे ये ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज कहां पर बनेगी? एट इन्फिनिटी। तो क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या बनेगा? एफ नॉट प्लस एफ ई। एफ नॉट प्लस एफ ई टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है। तो बनाए इसे, और इसमें ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा है, तो वर्टिकल ऑपोजिट से ये अल्फा, और इमेज का एंगल यहां पर क्या बनेगा? बीटा, बीटा अल्फा। ठीक है यहां तक? अब स्टार्ट करते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? टेन बीटा बाय टेन अल्फा। ध्यान आगे, टेन बीटा बोलो क्या होगा? ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी डैश। टेन अल्फा क्या होगा? ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी। तो ये आपने टेन बीटा टेन अल्फा लिखा, इन्हें डिवाइड कर दिया, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसल, तो क्या बना? सी ए डैश सी डैश ए डैश। सी ए डैश किसके इक्वल है बताओ? सी ए डैश किसके इक्वल है? एफ नॉट। और सी डैश ए डैश किसके इक्वल है? एफ ई। इधर से एफ नॉट, उधर से एफ ई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नीफाइंग पावर का? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बनेगा
सी ए डैश का मतलब एफ नॉट राइट, और सी ए डैश सी डैश ए डैश लेफ्ट की तरफ माइनस एफ ए। तो ये बॉक्स में डाल लो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। सेम क्वेश्चन आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ही डायग्राम बनाओ व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर लीस्ट डिस्टेंस पे आपको बनाना है तो फिर से वही लेंस ऑब्जेक्ट, फिर से वही इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, और कहां पर मिलेंगी, इसकी फोकल लेंथ पे बनेंगी। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ ओ, फोकल लेंथ है एफ ओ। लेकिन इस बार इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी फोकल लेंथ पे नहीं बनेगा, एफ ई ये रहा, तो ये कहां पे बनेगा, ये यू ई पे बनेगा, यू ई पे, यू ई पे, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रहे, ताकि इमेज वर्चुअल बने। तो अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी, और इमेज कहां पर बनेगी, एफ ओ पे, एफ ओ पे। लेकिन इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, यू ई, और इमेज कहां पर बन रही है, डी पे। क्लियर है यहां तक, ड्रॉ करो एक बार इसे। सर बोलो सर, जो ये लेंसेज के साइज है सर, वो इंटेंशनली बनाए आपने? हाँ हाँ, बड़े और छोटे लेने पड़ते हैं, क्योंकि रेज आनी है ना, रेज दूर से आनी है, तो ज्यादा रेज इसमें एंटर करें हम चाहते हैं। छोटा बनाना है इसमें, तो इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन फिर से एक बार टैन बीटा बाई टैन अल्फा। इस बार टैन बीटा क्या होगा, ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी डैश, और टैन अल्फा क्या होगा, ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी, टैन बीटा टैन अल्फा। तो इसके अंदर टैन बीटा टैन अल्फा को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये टर्म आएगी ए डैश सी बाई ए डैश सी डैश। इधर देखो ए डैश सी डैश ए डैश सी डैश क्या होगा, माइनस यू ई, माइनस यू ई, और सी ए डैश क्या होगा, एफ ओ, एफ ओ, क्योंकि ये जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां पर कहां पर बनेगी, एट इमेज जो बनेगी वो एफ ओ पे बनेगी, इसकी फोकल लेंथ पे बनेगी। क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये देखो, ये सी ए डैश की जगह मैं क्या यूज करूंगा, एफ ओ, और सी डैश ए डैश की जगह क्या यूज करूंगा, यू ई। तो आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा एफ ओ बाई माइनस यू ई। तो पिछले केस में क्या बना था, एफ ओ बाई माइनस एफ ई,
क्योंकि इस बार इमेज FE पे नहीं है, इस बार कहां पर है, UE पे है, याद है वो आईपीस के लिए वो यूई है, एफई नहीं है, तो ये आंसर है। अब एक काम करना है, इसमें एक थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करनी है। मॉडिफिकेशन ये है कि जो आई लेंस है, ये लिख लेना यहाँ पर आई लेंस, फॉर आई लेंस, आँख के पास पड़ा हुआ लेंस, तो आँख के पड़े के पास पड़े हुए लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया। लेंस फॉर्मूले में इमेज कहाँ पर बनानी है, इन्फिनिटी पे तो बनेगी नहीं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। अब अगर नॉर्मल आई है जिसकी आँख पे ऐनक नहीं लगी हुई, तो उसके लिए डी बाई डिफॉल्ट 25 है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन कहीं का 25 नहीं होता, 50 होता है, 75 होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा लीस्ट डिस्टेंस क्या है, तो वो आपको वहां पुट करना पड़ेगा। यू यहाँ पर माइनस यू ई, तो जब और फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जब आप ये वैल्यूज को पुट करेंगे, वी की जगह माइनस डी, यू की जगह माइनस यू ई, फोकल लेंथ, तो आपके पास 1/UE का ये फॉर्मूला बनेगा। 1/UE के अंदर से 1/FE कॉमन निकाल लें, ये 1 हो जाएगा, और ये FE से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करना है आपने, जो मैग्निफिकेशन हमने बनाई उसका फॉर्मूला हमने ये बनाया, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस एफ नॉट इंटू 1/UE, एक ही बात है, माइनस एफ नॉट इंटू 1/UE, और 1/UE की वैल्यू को ये पुट कर देंगे पूरे का पूरा यहां पे, तो यहां पे पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। आपको न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला याद करना है, तो जब पेपर में आएगा तो यहां तक आपको डराइव भी करना है। मैग्नीफाइंग पावर जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, वेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसके इक्वल है। क्लियर है यहां तक? तो कैसे इसमें मॉडिफिकेशन कर रही है, थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं, ज्यादा नहीं है। स्टार टैन बीटा बाय टैन अल्फा से ही होगा, और एक लेंस का फॉर्मूला लगाना है बस, तो वहां से आंसर आएगा, राइट। इसके बाद है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये आपके सिलेबस में मेरे हिसाब से हट गया है। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स है ना, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि इमेज हमेशा उल्टी ही बनती है। आपने देखा कि जितने भी आप डायग्राम ऊपर देखेंगे उसमें इमेज हमेशा नीचे की तरफ या उल्टी इमेज ही बनती है, पर अगर आपको सीधी इमेज, वैसे तो गोल ऑब्जेक्ट में फर्क नहीं पड़ता, आप मून को देखो, उल्टा देखो, सीधा देखो, फर्क क्या पड़ रहा है, लेकिन अगर आप सच में कुछ सीधा देखना ही चाहते हो तो आपको लगाना पड़ेगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल के लिए बस एक इरेक्टिव लेंस बीच में यूज करना पड़ता है सीधा करने का लेंस। कैसे? रेज आई इन्फिनिटी से, फोकस पे बनी, एक लेंस लगाते हैं जिसका जिस जो कि इससे 2F दूरी पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट 2F पे है तो इमेज भी 2F पे बनती है और सीधी बन जाती है, तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मतलब कुछ नहीं किया उसने, इस लेंस ने इस इमेज को, उल्टी इमेज को सीधा बना दिया, और उसके बाद ये डायग्राम बन गया। तो बेसिकली ये जो टेरेस्ट्रियल है, एक बार मैंने बता दिया, वैसे ये आने की इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, आएगा नहीं।